हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टिचिंग मेड इजी। आज हम फिर से एक पुराना दुपट्टा यूज़ करके नया ड्रेस बनाएंगे। पहले भी हम एक वीडियो बना चुके हैं पुराने दुपट्टे को यूज़ करके फ्रॉक तैयार किया था हमने, लेकिन आज इस फैंसी दुपट्टे से हम गरारा बनाएंगे। तो चलें वीडियो ट्यूटोरियल शुरू करते हैं गरारे का। ये दुपट्टे को मैंने फोल्ड किया है। अब जो गरारे का निचला हिस्सा होता है उसको मैं दुपट्टे की जो लंबाई है उसको पूरा रख लूंगी और चौड़ाई की तरफ से 21 इंच पे निशान लगाना है, यानी ये मैंने 21 इंच लंबा रखा है और इसको पूरा काट लेना है। और टोटल लेंथ दुपट्टे की कितनी थी? टोटल लेंथ 2.25 मीटर। ये हिस्सा अलग कर दे, थोड़ा ऊंचा बोले, और इसको दरमियान से कटिंग करके तो दो हिस्सों में कर लेना। ये चीज मैंने इसलिए नहीं उतारी कि ये नीचे आ जाएगी। और ये पाइपिंग पहले ही दुपट्टे पे लगी हुई, पहले ही लगी हुई है पाइपिंग। इस तरफ से मैं उतार लूंगी, इस तरफ से काट के उतार लेती हूँ। ये जो कपड़ा बचा है इसकी भी मैं ये चीज उतार रही थी। ये वाली नहीं उतारूंगी, ये जो है ना नीचे आ जाएगी। ये 20.5 इंच है ऊपर वाले हिस्से की। इस तरफ से रेंच रखूंगी, इस तरह नीचे लेके जाना है इसे। इस तरफ से भी 14 इंच पे इस तरह निशान लगाना है। ऐसे इसकी कटिंग करनी है। यहां से 11 इंच रख लेते हैं, 1 इंच सिलाई में आ जाएगा और 10 इंच का ऊपर वाला हिस्सा, और ये ऊपर से आसन वाली साइड से इस तरह निशान लगाएं। नजर आ रहा है ये निशान लगा हुआ? काट लेते
ऊपर से निकाल जाएगा 2 इंच का। इधर लास्टिक डालेंगे और ये साइड जो है इसके 2 बखे लगा के खींच के इसको इस तरह चुरा डाल लेंगे और वीडियो ऊपर आके सियाह लग जाएगी। बेसिक कटिंग इसकी यही है। कटिंग के बाद पैटर्न कुछ इस तरह से तैयार होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टिचिंग का तरीका दिखाएंगे। स्टे अपडेटेड टू आवर चैनल। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आपको वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।